हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मिस्टर वाव अलर्ट। सो आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो NJP वाला जो अकाउंट है वो किस तरीके से बनाता है। सही, तो नेशनल जॉब पोर्टल जिसको हम कहते हैं NJP, जिसमें बहुत सारी जॉब्स आती है, जैसे FBR हो गई, FIA हो गई, सही, जैसे कि NAB हो गई, बहुत सारी जॉब्स इसमें आती है। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मसला होता है को वो किस तरीके से बनाएं उसका जो अकाउंट है। सही है, तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका जो अकाउंट है वो किस तरीके से आपको बनाना है। सही है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आ जाएंगे यहाँ पे गूगल के ऊपर। सही है, ये देखें। ओके, जैसे ही आप गूगल के ऊपर आए हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कि njp.government.pk लिखेंगे आप। ये लिख के आप क्या करेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। सही है, ये देखें। ओके, जैसे ही आप सर्च के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसकी जो मेन वेबसाइट है आपके सामने है वो ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप। सही है, तो आप देख सकते हैं अभी मेरा कोई अकाउंट वगैरह नहीं बना हुआ है। फॉर सपोज मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, तो ये देखना, ये देखें। फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अवेलेबल वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फॉर सपोज़ मैं किसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें, फॉर सपोज़ ओके, तो ये देखें, ये आ गई। सही है, यहाँ पे FBR नायब कासिद लिखा हुआ है। सही है, फॉर सपोज़ मैं इसके लिए अप्लाई करता हूँ, ये देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। सही, जैसे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर शो होगा कि आपका जो अकाउंट है आपको सबसे पहले आपको वो बनाना है। ये देखें, यहाँ पर शो हो रहा है कि प्लीज़ लॉग इन। ये देखें, कह रहा है कि प्लीज़ लॉग इन साइन आउट टू अप्लाई ना अप टू अप्लाई। इसका मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे कि जो आपका जो अकाउंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है। विदाउट आपका अकाउंट आप किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते NJP में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बे के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। सही है, ओके, जैसे ही आपने इसकी जो मेन वेबसाइट है आपने वो सर्च की। ओके, ये देखें, जैसे ही आपने मेन वेबसाइट सर्च की तो आपके सामने ऊपर शो हो रहा है 3 डॉट वाला ऑप्शन। सही है, आप क्या करेंगे, 3 डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक शो हो रहा है आपके सामने लॉगिन, दूसरा शो हो रहा है आपके सामने साइन अप। तो आपको क्या करना है, सिंपली साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। सही है, ओके, जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि कैंडिडेट साइन अप। आपको क्या करना है, कैंडिडेट साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है जो ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये देखें, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि CNIC नंबर। आपको क्या करना है, यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है, यहाँ पे आप अपने ईमेल लिखेंगे, यहाँ पे आप पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे आप रीटाइप पासवर्ड लिखेंगे। सही है, ओके, तो ये सब लिखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सही है, फॉर सपोज़ मैंने अपना यहाँ पे CNIC नंबर ये वाला लिख लिया। सही है, ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरी ईमेल है आपको वो लिख देनी है अपनी ईमेल। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड कह रहा है, आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो पासवर्ड है आपको वो लिख देना है। मैंने लिख लिया, सेम पासवर्ड क्या करूँगा मैं यहाँ पे भी लिखूँगा। सही है, ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, साइन अप नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। सही है, ये देखें, तो ये सर्च हो रहा है। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्लीज़ चेक योर ईमेल। तो मुझे क्या करना है, सिंपली मैं क्या करूँगा, अपनी ईमेल के ऊपर जाऊँगा। सही है, ये देखें, मैं क्या करूँगा, जीमेल में आ जाऊँगा। सही है, ओके, जैसे ही मैं जीमेल पे आ गया हूँ मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा रिफ़्रेश। सही है, आप देख सकते हैं कि ऊपर टाइम भी शो हो रहा है। तो अभी हमारा जो टाइम हुआ है वो हुआ है 9:06, और आप ये देख सकते हैं ये भी टाइम है 9:06, ये भी आपके लिए प्रूव है। सही है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। सही है, ओके, जैसे ही मैं इसके ऊपर आप क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिव माई अकाउंट। आपको क्या करना है, एक्टिव माई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली। ओके, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लिखा होगा कि वेरीफाइड, आपका जो अकाउंट है वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद फिर से आपकी जीमेल पे आ जाएगा मैसेज, कौन सा वाला, वेरिफिकेशन वाला। तो आप देख सकते हैं ये लिखा आ गया कि प्लीज़ चेक ईमेल फॉर एक्टिवेशन कोड। अब आपने क्या करना है, यहाँ से मसला होता है स्टूडेंट को बहुत सारा। सही है, क्यों बताता हूँ, पहले आप जैसे जीमेल पे जाएंगे ना, ये देखें, तो आपके सामने तो जैसे होगी, तो आप कहेंगे अब हम अपनी जीमेल लिखें तो लिखें कैसे,
तो डोंट वरी अबाउट इट, इसलिए तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, सही है। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, सही है। यहाँ पे जो शेयर वाला ऑप्शन है आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। कौन कहाँ पे क्लिक कर देना है, ये देखिए यहाँ पे जो आपके सामने शो हो रहा है शेयर वाला ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सही है। आपको क्या करना है, यहाँ पे शो हो रहा है कि बिज़नेस, व्हाट्सएप बिज़नेस आपका जो भी व्हाट्सएप हो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सही है। ओके, तो फॉर सपोज मैंने अपने पास ये भेज दिया है, सही है। ओके, यू लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, आप अपने पास ये जो वेबसाइट है शेयर करके अपने पास भेजेंगे, सही है। जैसे ही आप इसके ऊपर भेजेंगे तो आपकी जो पहली वेबसाइट थी ना जो मैंने आपको बताई, आप क्या करेंगे ये देखें, आपको सिंपली इसको कट कर देना है, सही है। जैसे ही आप इसको कट कर देंगे अब आप अपने व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है एक्टिवेशन हो जाएगा, बन जाएगा, ये लाजमी है, सही है। ओके, जैसे ही आपने अपने आपका जो व्हाट्सएप है आपने वहाँ से आपने वहाँ पे जो लिंक भेजी है, अब आपको क्या करनी है, सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें। जैसे ही लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो इसका जो कोड है दोबारा आपके जीमेल पे आ जाएगा, लेकिन जो पहले कोड आया था वो नहीं लगेगा, अब इसका जो न्यू वाला कोड है अब आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर आप तो बहुत ज़हीन हैं, ज़हीन की बात नहीं है, एक्सपीरियंस होता है ना। अगर आप डायरेक्ट जीमेल पे जा रहे थे तो ये वेबसाइट ओपन हो रही थी, तो आप कोड कैसे लिखते हैं, तो ये मेथड है। अच्छा, आप किसी के पास व्हाट्सएप पे सेंड करें और उसके बाद आप क्या करें लॉगिन। अभी ये देखें लिखा हुआ कि प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर कोड, अब आपको घबराना नहीं है। आप क्या करेंगे, जीमेल के ऊपर क्लिक करेंगे, सही है। ये देखें अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो आपके पास प्रूफ, एक एक प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ, सही। ओके, जैसे आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपके सामने टाइम शो हो रहा है कि 9:09, सही है। ये देखें जो हमारा जो पहला जो कोड आया था, ये देखें वो हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो डायरेक्ट ईमेल के ऊपर शो हो रहा था, सही। उसके बाद आप क्या करेंगे, 9:07 वाला भी नहीं लगाएंगे। अभी अभी जो आपके पास कोड आया है, नीचे आप आ जाएंगे, ये देख सकते हैं कि ना टाइम यहाँ पर शो हो रहा है कि 9:09, ऊपर भी शो हो रहा है 9:09। आपको क्या करना है, सिंपली ये जो कोड है आपको ये कॉपी कर देना है, सही है। जैसे इस कोड को आप कॉपी करेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे, अब आप इसके ऊपर आ जाएंगे, सही है। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप क्या करना, ध्यान देना, सही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर इस कोड को करूँगा कॉपी। कॉपी किया, ये जो मेरा जो सीनेस नंबर है मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे जो दोबारा मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ओपन करने के लिए मेरे काम आ जाएगा, सही। तो मैं अब क्या करूँगा, एक्टिव माय अकाउंट नाउ क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, सही है। ओके, एक्टिव माय अकाउंट नाउ के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे शोर है कि योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली, तो आपके सामने आप क्या करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो पासवर्ड है, आपकी जो ईमेल है, आपके सामने शो हो रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे वेरीफाई हो चुका होगा, अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आ जाएंगे, NJP लिखेंगे आप, government.pk। जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो वेबसाइट है आपके सामने ओपन हो जाएगी, सही है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये रिसर्च हो रहा है। तो जैसे ही आप 3 डॉट के ऊपर शो क्लिक करेंगे, आपको क्या करना है, सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, सही। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो ईमेल है वो लिखनी, आपको सीनेसी नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको ईमेल लिखनी है, यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है आपको वो लिख देना है लाजमी, सही है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरा जो सीनेसी नंबर है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरी जो जीमेल है मैं वो यहाँ पे लिख दूँगा। जैसे ही मैं लिखूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है, सही है। तो आप देख सकते हैं कि लाइव प्रूफ के साथ मैंने आपको बता दिया है कि मेरा जो अकाउंट है वो बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं होम के ऊपर क्लिक करूंगा, सही है। जैसे ही मैंने होम के ऊपर क्लिक किया, फॉर सपोज़ अब मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, सही है। ये देखें, फॉर सपोज मैं जॉब के लिए, किसी के लिए भी मैं अप्लाई अगर करना चाहूँ तो वो मुझे अकाउंट नहीं मांगेगा। पहले क्या कह रहा था, पहले मुझे कह रहा था कि आप अपना क्या करें, अकाउंट बनाएं। फॉर सपोज़ मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सही। यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई नाउ, मैं क्या करूँगा, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा,
तो विद इन प्रूफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई वगैरह जो पहले ऑप्शन शो हो रहा था कि प्लीज़ लॉग इन योर अकाउंट, अब क्या कह रहा था कि आपको जो इसका जो अकाउंट है आपको वो बनाना है, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा, तो आपके लिए तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ ही होगी और सबके लिए। तो इस तरीके से आपका जो अकाउंट है, आपका जो NJP का अकाउंट है, आपको बनाना है, सही है। अगर आपका कोई भी मसला हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एवरी टाइम मैं अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पे कहीं पे भी आप जब मैसेज करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इस तरीके से आप NJP वाला अकाउंट बना सकते हैं, और बराए मेहरबानी आप इस वीडियो को शेयर करें। क्यों करें, इस वजह से करें क्योंकि जो स्टूडेंट्स को मसला होता है NJP अकाउंट में, तो वो इस मसले से हल हो जाएं, वो जो अपना जो अकाउंट है वो भी बना जाए, सही है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, और ज़रूर जैसे में भी अप्लाई करना और मुझे अपना रिव्यू दे देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।